नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, इश्क पर जोर नहीं, एक ऐसे मोड़ पे पहुंच गया है जहां पे इश्क की जगह ले ली है नफरत ने आहान के मन में। मगर जब इश्क होता है तो भैया होता ही होता है, चाहे नफरत बोलो कुछ बोलो, ये चीज कार्तिक समझता है। तो ऐसा ही कुछ कल का एपिसोड खत्म हुआ जिसमें इश्की ने प्रूव कर दिया था ऑलमोस्ट कि वो बेगुनाह है और गुनेगार जो है मयंक है। मगर मयंक ने अपनी तिकड़मबाजी से इश्की को ही गुनेगार ठहरा दिया और इश्की को पुलिस ले गई पकड़ के, जो आहान ने बुलाई थी। तो ये हुआ कल के एपिसोड में। मगर उसके बाद हम लोग देख रहे हैं प्रोमो में जो आ रहा है, कमिंग अप में जो आ रहा है कि कहानी 6 महीने आगे चली गई है। तो कैसे गई कहानी 6 महीने आगे, चलिए बात करते हैं इसके ऊपर। मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों, इश्की जेल में चलेगी, मगर ये बात कार्तिक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई क्योंकि उसको ये पता है कि उसका भाई कहीं ना कहीं इश्की से बहुत ज्यादा प्यार करता है और अंदर से वो तड़प रहा है कि इश्की वो बात बता दे जिसकी वजह से ये सारा बवाल हुआ है। ऊपर से वो जरूर फैमिली वैल्यूज की बात कर रहा है, ऊपर से जरूर वो बोल रहा है कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, मगर अंदर से वो इश्की को प्यार करता है, चाहे वो अभी गलत ही कर रही है आहान के हिसाब से। इसी बात की चर्चा दोनों भाइयों में होती है और वो आर्ग्यूमेंट में ये पूछ लेता है आहान से कि अगर इश्की अभी इस जेल में है तो क्या अब रात को आप आराम से सो पाओगे, क्या आपको नींद आ जाएगी जब इश्की जेल में होगी। तो ये बात होती है और इसके बाद हम देखते हैं कि इश्की जेल से छूट जाती है। कार्तिक हैरान है कि जमानत किसने की, मगर कार्तिक हैरानी के साथ साथ ये भी कह जाता है कि ये भाई ने की है। तो वही इश्की को मैसेज आता है और मैसेज में इश्की पढ़ती है कि आहान ने कहा है कि पूल में आ जाओ और पूल के पास मैं खड़ा हूं, वहीं पे जहां पे ये बात शुरू हुई थी, आके मेरे से बात करो और मुझे बताओ कि ये क्यों हुआ। अगर तुम सच्ची हो इश्की, तुम्हारी बात ठीक है, तो मैं किसी भी हालत में तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये मैसेज इश्की को मोटिवेट करता है और वो वहां से छोड़ के भागती है और वहां आहान का शॉट हम देखते हैं कि वो पूल के पास इंतजार कर रहा है। इधर इश्की का एक्सीडेंट हो जाता है और यही होगी इनकी लीप की वजह कि इश्की का एक्सीडेंट में जरूर उसको कुछ ऐसी चोट लगी होगी जिसकी वजह से वो आहान के सामने नहीं जाना चाहती होगी। उधर आहान उसको समझ रहा होगा कि इसने फिर से मुझे धोखा दे दिया, इसलिए आहान उसको बिल्कुल भी अब नफरत के तरीके से ही देखेगा। अब ये 6 महीने की लीप के बाद फिर से जब इश्क आएगा सामने तो क्या होगा, ये है इस लीप की वजह। तो कैसी लगी आपको इस लीप की वजह, जरूर कमेंट करके बताइए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.